भाग तीन, नूर इनायत खान संघर्ष। अब तक आपने नूर इनायत खान की उस शख्सियत को जाना है कि जिसने दुनिया भर की मुश्किलों को पीछे छोड़ कामयाबी हासिल की थी। एक मुस्लिम लड़की होते हुए भी ब्रिटेन जैसे देश की सेना की सबसे महत्वपूर्ण सिपाही बनकर उभरी नूर इनायत खान अब एक कामयाब जासूस और एक राष्ट्रवादी लड़की में तब्दील हो चुकी थी। ब्रिटेन के आला अधिकारी अब उससे सलाह मशवरा करने लगे थे और बड़े से बड़े काम अब नूर की मौजूदगी में किए जाने लगे थे। तो आइए जानते हैं नूर की कामयाबी, देशभक्ति और अपने राष्ट्र फ्रांस के प्रति अटूट श्रद्धा और 30 साल की लड़की की असाधारण दर्द सहने की क्षमता के बारे में। भारतीय लड़ाके टीपू सुल्तान के खानदान से ताल्लुक रखने वाली नूर इनायत खान न सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर ब्रिटेन की सेना का अहम हिस्सा होती जा रही थी, बल्कि आलम ये था कि नूर अब स्पेशल ऑपरेशन कार्यकारी के रूप में भी आगे बढ़ रही थी। कामयाबी के नए आयाम गढ़ रही थी नूर इनायत खान, जिनको फरवरी 1943 में वायुसेना मंत्रालय में जगह मिली। लेकिन गुप्त युद्ध में कम अनुभव होने के कारण उनके नाम को लेकर संशय बरकरार था, लेकिन फ्रांसीसी भाषा पर अच्छी पकड़ यहाँ नूर इनायत खान के लिए सहायक सिद्ध हुई। वो फ्रांसीसी बोलने और लिखने में पारंगत थी, जिससे नूर इनायत अब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का सदस्य बन चुकी थी। वॉलेस ऑपरेशन अनुभवी एजेंटों का जिक्र होने पर अब नूर इनायत का नाम गूंजने लगा था। यहीं से नूर का जासूसी वाला काम भी शुरू हुआ और उन्हें इस हेतु ट्रेनिंग भी दी जाने लगी। जासूसी के जिस काम के लिए नूर इनायत खान विश्व विख्यात हुई, उसका पहला मौका उन्हें 17 जून 1943 में मिला, जब वो इंग्लैंड की तरफ से फ्रांस भेजी गई। उनका किरदार था एक रेडियो ऑपरेटर के रूप में गुप्त जानकारियां इकट्ठा करना। नूर इनायत खान अब मेडलिन बन चुकी थी और इसी कोड नाम के साथ अलग अलग जगह घूमकर जासूसी संदेश अपने वतन भेजने लगी। जिंदगी के सफर में इस बार उनके साथ दो और महिलाएं थीं, जिनके नाम डायना राउडन और सेसली लेफर्ड था। डायना जहां एक पादरी थीं, वहीं सेसली, जिसका ओरिजिनल नाम एलिस था, वो एक शिक्षिका थी। फ्रांस में नूर एक नर्स के वेश में वहां के चिकित्सालय में सेवा देने लगी। लगातार संदेश भेजती रहीं और अपने काम में लगी रहीं। लेकिन बहुत जल्द ही नूर इनायत खान के बहुरूपीयपन को पकड़ लिया गया। जर्मनी की मेडिकल सेवाओं में सेंध लगाने वाली ये गुप्तचर जर्मनी की सुरक्षा सेवा एसडी की पैनी नजरों से नहीं बच पाई और आखिर में गिरफ्तार कर ली गई। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में पहली एशियन सीक्रेट एजेंट अब जर्मनी की जेल में सलाखों के पीछे थी। वैसे नूर अपने काम को लेकर बेहद संजीदा थी और बेहद सावधान भी, लेकिन एक साथी की गर्लफ्रेंड को उससे जलन थी और उसी जलन के चलते उसने नूर इनायत खान की असलियत जर्मनी खुफिया एजेंसी के सामने रख दी। विंस्टन चर्चिल की सबसे विश्वासपात्र खुफिया एजेंट 13 अक्टूबर 1943 को जर्मनी की कैद में थी। नाजियों के कब्जे वाले फ्रांस में 3 महीने से ज्यादा का समय गुजार कर कई तरह की खुफिया जानकारियां इंग्लैंड भेजने वाली नूर इनायत को कैद करना इतना आसान भी नहीं था। उन्हें खतरनाक कैदी की श्रेणी में रखा गया और जर्मनी की पुलिस उन पर जितना जुल्मो सितम कर सकती थी करती रही। जर्मनी के जेल से भागने के तमाम प्रयासों में नूर को सफलता नहीं मिली। पेरिस के जेल में कई अधिकारी आए और गए, सभी ने नूर से उनके काम के बारे में और सीक्रेट जानकारी के बारे में पूछा, लेकिन नूर ने मुंह नहीं खोला। हैंस किफर जैसे अधिकारी भी नूर के जबान से एक शब्द नहीं निकलवा सके। तानाशाह हिटलर के सिपाहियों के सामने रत्ती भर भी न झुकने वाली नूर इनायत खान ने जुल्मों के आगे हार नहीं मानी और आखिरकार पेरिसेट क्वार्टर से नूर इनायत खान भागने में सफल हुई। नूर के साथ भागने वालों में इनायत, एसओआई एजेंट जॉन रेनशा और लियोन भी शामिल थे, लेकिन फिर से वो बहुत जल्द गिरफ्तार कर ली गई। नूर को अब पेरिस से जर्मनी शिफ्ट कर दिया गया। नवंबर 1943 के बाद जर्मनी की फाउजेम जेल नूर इनायत खान का नया ठिकाना थी। जर्मन अधिकारियों ने काफी टॉर्चर किए, खूब प्रताड़ित किए, तमाम तरह के दुख दिए और कोशिश की कि नूर इनायत खान सारे राज खोल दे, लेकिन अपने देश से गद्दारी कर राज बताना तो बहुत दूर की बात थी। जर्मनी तमाम कोशिशों के बाद भी वो नूर इनायत खान का असली नाम भी नहीं जान पाए। जर्मन अधिकारी दुख देते देते थक गए, लेकिन नूर दुख सहते सहते नहीं थकी। नूर के दुखों में इजाफा करने के लिए जर्मनी के डकाऊ प्रताड़ना शिविर का सहारा लिया गया और नूर का गुरूर तोड़ने के लिए आखिरी प्रयास किए गए। असलियत में वो नूर का गुरूर नहीं, राष्ट्रवाद था। राष्ट्रवाद नूर इनायत में कूट कूट कर भरा था। भारत वंशी नूर इनायत खान जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की बड़ी प्रशंसक थी। नूर अपने अंत समय यानी कि मौत तक भी
एक शब्द न बोली न घुटने टेके। वहीं जर्मन अधिकारी हताश हो चुके थे। 11 सितंबर 1944 को नूर प्रताड़ना शिविर में आई और 13 सितंबर को उनके साथ उनके 3 साथियों को भी गोली मार दी गई। यहां भी नूर को एक बार फिर आजमाया गया और पहले उनके तीनों साथियों को गोली मारी गई और एक बार फिर नूर को डराने धमकाने के प्रयास हुए। लेकिन 30 साल की एक सच्ची राष्ट्रवादी लड़की नूर इनायत खान जर्मनी अधिकारियों के जुल्मों के आगे टस से मस नहीं हुई। जर्मन अधिकारियों ने नूर की हत्या सिर पर गोली मारकर कर दी। उन्हें मलाल था कि वो इस जासूस का असली नाम तक नहीं जान पाए। मरते दम तक उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द था, स्वतंत्रता, मतलब आजादी, मतलब फ्रीडम। और इस तरह एक बेहद राष्ट्रवादी महिला जो भारत से ताल्लुक रखती थी, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की बड़ी प्रशंसक थी, तमाम राज जो जर्मनी अधिकारी जानना चाहते थे उन्हें सीने में दफन किए अपने देश पर हंसते हंसते कुर्बान हो गई। उन्होंने अंत तक जुबान नहीं खोली, लेकिन कैद कर लिए जाने से पहले वो अपनी डायरी नष्ट नहीं कर पाई, जिसके आधार पर जर्मनी ने उनके कई साथियों को हिरासत में लिया। और इस तरह एक जाबाज राष्ट्रवादी लड़की की स्वर्णिम कहानी ब्रिटेन के इतिहास में सदा सदा के लिए दर्ज हो गई। अब तक आपने नूर इनायत खान की जिंदगी के तमाम घटनाक्रम एक एक कर महसूस किए, लेकिन जो अमर हो जाते हैं वो मरने के बाद भी अपना अस्तित्व नहीं खोते। नूर इनायत खान के साथ भी ऐसा ही हुआ। मरने के बाद भी वो दुनिया भर में कामयाब, तेज दिमाग और देशभक्त महिलाओं के सबसे शानदार उदाहरण के रूप में जिंदा रही। आगे हम जानेंगे कि उन्हें कौन कौन से सम्मान से नवाजा गया और उनकी यादों को ब्रिटेन सरकार ने किस तरह दुनिया के दिलो दिमाग में जिंदा रखा। भाग 4, नूर इनायत खान पुरस्कार एवं सम्मान। अब तक आप शायद नूर इनायत खान की जिंदगी के बारे में वो सब कुछ जान चुके होंगे कि जिसने उन्हें अमर बना दिया, लेकिन अब हम आपको उस इज्जत अफजाई की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो दुनिया ने मरने के बाद नूर इनायत खान को बख्शी। नूर ने अपने 30 साल की जिंदगी में काम ही कुछ ऐसे किए थे कि वो अमर हो गई और देश को उन पर नाज होना लाजमी था। ब्रिटेन की डाक सेवा रॉयल मेल में नूर के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। ब्रिटेन के इतिहास में रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन देने वाले लोगों में अब नूर का नाम कोही नूर की तरह चमक रहा था। ब्रिटेन के मशहूर एक्टर सर एलेक गिनिस और पोएट डिलन थॉमस जैसे 9 और महान लोगों के साथ अब नूर इनायत खान के नाम का डाक टिकट ब्रिटेन में जारी हो चुका था। नूर इनायत खान को पहली मुस्लिम या एशियाई महिला होने का गौरव प्राप्त है, जिनकी तांबे की मूर्ति लंदन में मौजूद है। 8 नवंबर 2012 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की बेटी राजकुमारी एनी के हाथों से लंदन के गार्डन में नूर की तांबे की मूर्ति की अनवेलिंग की गई। जिस घर में नूर इनायत खान ने अपना बचपन गुजारा उसके बिल्कुल पास गार्डन स्क्वायर गार्डन में लंदन के मशहूर आर्टिस्ट न्यूमैन द्वारा बनाई गई नूर की खूबसूरत मूर्ति स्थापित की गई है। इसके साथ नूर इनायत खान ने महिलाओं के सम्मान में एक और बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया, क्योंकि नूर की याद में लंदन का गार्डन स्क्वायर ब्रिटेन में किसी भारतीय महिला और किसी मुस्लिम महिला की याद में बनने वाला पहला मेमोरियल भी हो गया। हम आपको बताते चलें कि इस मेमोरियल के लिए भारत के मशहूर अभिनेता आमिर खान की पत्नी किरण राव ने भी फिल्म धोबी घाट की स्क्रीनिंग से की गई कमाई को दान किया है। ब्रिटिश सरकार ने नूर इनायत खान को मरणोपरांत 1949 में जॉर्ज क्रॉस सम्मान दिया। ये सम्मान अब तक केवल 3 महिलाओं को मिला है। क्रॉक्स डी गेयर यानी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नूर इनायत खान को नवाजा गया है। ब्रिटेन का मशहूर ब्रिटिश गैलेंट्री अवार्ड मेसेंट इन डिस्पैचेस सम्मान भी दिया गया। इसके अलावा भी 30 साल की बहादुर लड़की नूर इनायत खान पर उस वक्त के सरकारों ने सैकड़ों सम्मानों की बौछार कर दी थी। जाबाज नूर इनायत खान पहली भारतीय ही नहीं पहली दक्षिण एशियाई महिला हैं जिनके सम्मान में ब्लू प्लॉक का ऐलान हुआ। उनके सम्मान में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके बचपन के घर 4 ट्वेटिन स्ट्रीट ब्लूम्सबरी लंदन पर एक खास किस्म का बटन लगाया है जिसे ब्लू प्लेक कहा जाता है। यहीं से नूर इनायत खान ने अपने आखिरी मिशन के लिए कदम बढ़ाए थे। दरअसल ब्लू प्लेक उन प्रसिद्ध व्यक्तियों, घटनाओं या इमारतों को यादगार बनाने के लिए लगाया जाता है कि जिनका ब्रिटेन के इतिहास में बेहद अहम स्थान है। महात्मा गांधी, जिन्ना, बाबा साहब अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों के ब्लू प्लेक बन चुके हैं।
मगर नूर इनायत खान दक्षिण एशियाई मूल की पहली ऐसी महिला हैं कि जिसे ब्रिटिश सरकार ने ये सम्मान दिया और मरणोपरांत भी नूर इनायत खान को कई सम्मान दिए गए। साल 2020 में ब्रिटेन ने अपने 50 पाउंड के नए नोट पर द्वितीय विश्व युद्ध की जाबाज नायक नूर इनायत खान का फोटो छापा। साल 2006 में भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पेरिस में नूर के बचपन के घर फजल मंजिल का दौरा किया था। नूर के बारे में कई तरह की बातें की जाती हैं। उनमें से एक सवाल ये भी कि सूफी संगीत प्रेमी एक खूबसूरत लड़की जो भारत से भी ताल्लुक रखती थी और ब्रिटिश साम्राज्य की विरोधी थी, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ऐसा क्या हुआ कि वो ब्रिटेन के लिए जासूस बन गई? जब वो शहीद हुई तो उस समय उनके लबों पर आखिरी शब्द था लिबरेते। ये फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता। आखिर कैसे नूर इनायत खान ब्रिटेन की जासूस बन गई? हमने इस पर प्रकाश डालने के लिए लंदन में रहने वाली भारतीय पत्रकार और लेखिका श्रावणी बासु की किताब द स्पाय प्रिंसेस नूर इनायत खान की हेल्प ली है, क्योंकि श्रावणी बासु ने अपनी इस किताब में नूर से जुड़े कई राज खोले हैं। इतिहासकार एवं स्पाई प्रिंसेस द लाइफ ऑफ नूर इनायत खान की लेखिका श्रावणी बसु ने अपनी पुस्तक में कहा कि जब नूर इनायत खान अपने अंतिम मिशन पर अपना घर छोड़कर रवाना हुई थी तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो बहादुरी का प्रतीक बन जाएंगी। बसु ने कहा कि वो एक असाधारण जासूस थी। सूफी होने की वजह से वो अहिंसा और धार्मिक सौहार्द में यकीन करती थी। उन्होंने कहा कि ये उचित होगा कि भारतीय मूल की पहली महिला नूर को ब्लू प्लॉक के साथ याद रखा जाएगा। इसे देखकर नूर की कहानी आने वाली जनरेशन को प्रेरित करती रहेगी। आज की दुनिया में एकता और स्वतंत्रता पर उनका दृष्टिकोण काफी महत्वपूर्ण है। बसु आज नूर इनायत खान मेमोरियल ट्रस्ट यानी NIKMT की संस्थापक और अध्यक्ष है, जिसमें 2012 में पास ह्यू गार्डन स्क्वायर में नूर की प्रतिमा स्थापित है। नूर के जासूस बन जाने के पीछे एक तर्क ये भी दिया गया कि वो पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेड क्रॉस में नर्स के तौर पर काम कर रही थी और फ्रेंच भाषा बहुत अच्छी तरह जानती थी। ये दोनों काबिलियत नूर इनायत खान को जासूस बनाने में सबसे ज्यादा बड़ा किरदार निभा गई। नूर को एक जासूस के रूप में नर्स के तौर पर भेजा गया और वो फ्रेंच भाषा बहुत अच्छे से जानती थी, तो वो तमाम तरह के खुफिया राज जुटाती रही और इंग्लैंड भेजती रही। नूर इनायत खान से जुड़ा एक राज ये भी है कि 1946 तक ब्रिटेन में होने से उन्हें लापता समझा गया, लेकिन पूर्व गेस्टापो ऑफिसर क्रिश्चियन आंट ने इस राज पर से पर्दा उठाया। 15वीं सदी के सूफी संत जुम्मा शाह के खानदान से ताल्लुक रखने वाली मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की परपोती प्रसिद्ध भारतीय सूफी संत पीरो मुर्शिद हजरत इनायत खान और अमेरिकन माँ ओरा रे बेकर की बेटी ब्रिटेन और फ्रांस में पली बड़ी महान जासूस नूर इनायत खान ने एक एशियाई मुस्लिम लड़की होते हुए ब्रिटेन जैसे देश में जो मकाम हासिल किया, वो राष्ट्रभक्ति का न भूलने वाला उदाहरण देकर चली गई। भारत वंशी नूर इनायत खान जहां शुरुआत में एक शांत कोमल शर्मीली लड़की थी कि जिसने अपने पिता से विरासत में मिले सूफी संगीत को जिंदगी जीने का जरिया बनाया और बाद में अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की ठान ली, समय के साथ अब वह शर्मीली लड़की हिटलर के किले में सेंधमारी करने के लिए तैयार हो चुकी थी। निडर थी, बहादुर थी, जाबाज थी, अक्लमंद थी, देश से प्रेम करने वाली थी और देश पर जान लुटाने वाली थी। 30 साल की उम्र में नूर इनायत खान कुछ ऐसा कर गई कि जिसे आज पूरा ब्रिटेन, पूरी दुनिया सलाम करती है। आज पूरे हिंदुस्तान और इंग्लैंड और फ्रांस सहित समूचे विश्व को दुनिया की महान महिला जासूस पर गर्व है, जिसका नाम था नूर इनायत खान। दोस्तों, ये प्रेरणादायक कहानी थी कि जिसमें एक बहादुर लड़की की जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नूर इनायत खान हमें मुश्किल परिस्थितियों में जीना सिखाती है। उनकी कहानी हमें बहुमुखी प्रतिभाओं के साथ जिंदगी गुजारना सिखाती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक महिला होने की सीमाओं को तोड़कर पुरुष प्रधान समाज में और वो भी एक अलग देश में अपना अस्तित्व कायम किया। देशभक्ति और राष्ट्रवाद का पाठ वो हमें इस कदर सिखाती हैं, मरना मंजूर कर लें लेकिन देश से गद्दारी न करें। नूर इनायत खान हमें ये भी सिखाती हैं कि मरने के बाद अमर कैसे हुआ जाता है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इस कड़ी में हम एक और महान शख्सियत की जिंदगी की दास्तान के साथ फिर हाजिर होंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर गए और उनके जीवन से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। कुको FM की महान भारतीय महिला जासूस की पेशकश का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर का यहाँ अंत होता है।
लेकिन अभी सफर समाप्त नहीं हुआ है। अगले एपिसोड में हम फिर एक भारतीय महिला जासूस की कहानी लिए आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।